Very good morning and very warm welcome. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादरी नोबल सैमुएल का सलाम पहुंचे। जी हाँ, हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दिल पसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं, मिलकर खुदा उनका पाक कलाम जो जिंदगी की रोटी है उसको बांटते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं, सुबह सवेरे खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना, उसकी हम करना। पाकलाम बताता है कि स्ताइश करना, हम्द करना रास्तबाजों को जेबा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हमें हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ता की, ताकि हम खुदा उनकी तमजीद कर सकें। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, कि आप इस प्रोग्राम को देखते सुनते और खुदा उनकी तारीफ करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मैं इससे पहले के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, जो नए आने वाले लोग हैं, बहन भाई हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस लिंक को, इस पेज को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.BibleTVGlobal.com, और इसके अलावा आपका जो मोबाइल है, अगर वो एंड्रॉयड है, एप्पल है, आप उस पर भी इसको शेयर कर सकते हैं, और फ्री ऐप जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जादू बॉक्स है जी, इस पे अमेरिका, कनाडा में और दीगर तमाम जगहों पर जहां पर भी जादू बॉक्स इंटरनेट है, वहां पर आप IPTV बॉक्सेस जो हैं उन पर आप इस चैनल को देख पाते हैं। फेसबुक लाइव है जादू बॉक्स के अलावा, जैसे एप्पल टीवी है उस पर, और अमेजोन की जो फायर स्टिक है, ये छोटी सी डिवाइस है जिसको आप अपने टीवी के साथ लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ आप लगा सकते हैं, और इसमें जो USB स्टिक है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा अमेजोन की, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये छोटी सी एक डिवाइस है, इसपे बहुत ज्यादा दीगर जो चैनल्स हैं वो भी आप देख पाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आप अपने टीवी के साथ जो पोर्ट है उसमें आप लगा दें, और ये चार्ज भी हो जाती है, इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं, और इसके साथ रिमोट भी आता है। रिमोट तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके बताना चाहता हूँ। जादू बॉक्स जो है ये भी छोटी सी डिवाइस है, उसको आप अपने टीवी के साथ लगा सकते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे चैनल्स पर जो है वो मौजूद हैं। तो ये रहा जी तरीकाकार जिससे आप इस चैनल को देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। तो वंस अगेन जी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हमारे साथ सैमसन जॉन है, पहले दफा मैंने देखा हूँ। वेलकम जी, बहुत आपको खुश आमदीद कहते हैं, और वो तमाम जो अजीज जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तो यकीन आपको इंतजार होगा जी आज के डिवोशन का, और आई गॉट वंडरफुल वंडरफुल फीडबैक के लोगों ने बड़ा इस बात को सराहा है कि प्रोग्राम का जो आगाज है जो हम करते हैं उससे, डिवोशन से, विच इज वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी ब्लेस्ड। तो आइए खुदा के कलाम को देखते हैं। आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्या कहा जी मैंने, आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और सिर्फ रखना ही नहीं है उसको। कई लोगों ने मैंने देखा है कि बड़े उसको सजा के और उसको लपेट के कपड़ों में, और उसको इतना ऐसी जगह पर रखते हैं कि बड़ा जरा इसको इज्जत दी जाए, बड़े ऊंची जगह पर उसको रख दिया, और वो पड़ी रहती है, ऊपर धूल आ जाती है, और फिर जब कोई पादरी साहब जाते हैं या कोई मौका होता है फिर उसको निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, लो जी बाइबल जी हमारी है जी हमारे घर में। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपकी बाइबल मुकद्दस जो आपके पास होनी चाहिए उसको आप अपने दिल के बहुत करीब रखें। जब कोई चीज दिल के करीब होती है तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस जिंदा पाक कलाम है, खुदावन के मुंह की बातें हैं, खुदावन यीशु मसीह जिंदा कलाम है। यूहन्ना के इंजीली ब्यास के पहले बाप में हम इस बात को देखते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और वो कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह जो है वो मुजस्सम कलाम है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो देखते हैं जी खुदा उनके पाक कलाम को, मुकद्दस लुका का अंजीली बयान, उसका 9 बाब वर्स
51 आयत से लेकर बाब के आखिर तक। ये बहुत ही खूबसूरत आयात हैं और मैं चाहूंगा कि आप इनको एक हाईलाइटर भी रखें। देखिए मैंने कितने सारे रखे हुए हैं, मेरे से ना मामले ना आप तो, लेकिन मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं और नोटबुक अपनी बनाई है। देखिए हाईलाइटर जो है ना, ये बड़े ही काम के होते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जो चीज आपको पसंद आती है उनको यूज करें। ये मैं टूल आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे। इसके अलावा ये देखिए मैंने जो छोटे छोटे जो मार्क हैं इनको रखा हुआ है, इनको आप अपने साथ इन चीजों को इस्तेमाल किया करें। जब आप जाते हैं स्टेशनरी शॉप पे तो वहां से आप इन चीजों को लें, अपनी नोटबुक बनाएं, अपनी बाय। देखिए एक स्टडी अपना एक कॉर्नर रखें घर में, अपना एक स्टडी कॉर्नर बनाएं जहां पर आप अपनी नोटबुक रखें, अपनी बाय मुकदस को रखें और जो टूल्स हैं उनको आप लें। ये सारी चीजें जो है ना आपके पास होनी चाहिए। एक एक इसको रूटीन बनाएं। ये नहीं कि चले जी पादरी साहब ने सुबह जो है वो आधे पौने घंटे के लिए आपको सिखा दिया तो बस ठीक है। उसको उसको एक्सपेंड करें, है ना। बाइबल स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है, बाइबल को पढ़ना। और ये सिर्फ पादरियों का काम नहीं है, आप सबका काम है कि आप इसको बड़े ध्यान के साथ। और जब आप अपने घर में ऐसा कॉर्नर बनाएंगे जहां पर आप अपने लिए दुआ के लिए वक्त निकालें, बाइबल मुकद्दस की स्टडी के लिए वक्त निकालें, डजंट मैटर अगर आप वो मेरा फेवरेट ड्रामा आना है, वो मेरी फेवरेट जो है ना जो फिल्म है या वो न्यूज मैंने देखनी है, तो आप उसको अवॉइड नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने रूटीन बनाई होती है कि रात को आकर उन्होंने न्यूज देखनी है या सुबह काम से जाने से पहले उन्होंने वो न्यूज देख के जानी है। अच्छा है, अपने आपको वेल इन्फॉर्म रखना चाहिए, लेकिन ये जो बाइबल मुकद्दस है ना इसको भी सुनना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात भी करेंगे, लेकिन अभी मैं खुदा के पाक कलाम से आपके लिए तलावत करूंगा। पेज नंबर 63 है जो उर्दू की बाइबल। यूं लिखा है, जब वो नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, आए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसे एलिया ने कहा या किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूके हो, क्योंकि इब्न आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यूसुफ से कहा कि लोहियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने तूसे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर। उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाह की खबर फैला। एक और ने भी कहा, आए खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो जाऊं। यूसुफ से कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। व्हाट्स अ वंडरफुल वर्सेस। नो लुक बैक, पीछे मुड़कर ना देखें। नोबडी कैन चेंज पास्ट। कोई भी अपने माजी को नहीं बदल सकता। वट एवर यू हैव डन दैट, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। थिंक अबाउट योर डेस्टिनेशन, डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड योर सर्कमस्टांसेस। योर सर्कमस्टांसेस, योर कंडीशन, योर सिचुएशन कैन चेंज एनी टाइम। वी डोंट नीड टू लुक बैक। बाइबल मुकद्दस में हम एक वाक्य को देखते हैं, लूत और उसकी
बीवी और उसकी बेटियां जब सुदूम और अमूरा को तबाह किया गया, वो जलकर खाक होने को थे, तो खुदावन ने उनसे कहा कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब वो चले जाते थे तो लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का स्तंभ बन गई। खुदा यीशु मसीह ने इंजील मुकद्दस में ये वार्निंग दी, दीज आर फाइव पावरफुल वर्ड, लूत की बीवी को याद रखो। दैट्स अ वार्निंग, हम चुनौती कहते हैं, एक याद दहानी। रमन कहते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखो, डोंट लुक बैक। जब हम खुदावन के साथ चलने का फैसला करते हैं, अहद कर लेते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ कमिटमेंट। हम अहद करते हैं, इट्स अ डीप कमिटमेंट, ये कोई आम बात नहीं है। फिर क्या होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद मैंने गलत फैसला किया है। हम अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं, अपनी सोच को बदल देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मैंने ये गलत फैसला किया है। जब मैं सेमिनरी में था तो मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्त जो आए और फिर वो वापस चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। आई myself, when I started my spiritual journey with my Savior, I found it very challenging and difficult. I said that, no, this is not my cup of tea. I went back. But when I had my personal experience over my Savior Lord Jesus Christ, I started walking with Him. And by the grace of God, it's more than 35 years. He's holding my hand and I'm walking with Him. खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात ये कही। कुछ लोग होते हैं जो कि वॉलंटियरली ही चलना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, हम जो है ना ठीक है, हमें कुछ ना लेना है ना देना है, सीधी सी बात है। बट यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। ऑफ कोर्स खुदावन ने एक शख्स से बात की जिसने कहा कि जी मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। खुदावन ने कहा कि अपना सारा माल असबाब बेच दे और मेरे पीछे आ जा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। देखें जो रिवॉर्ड की बात, तो लिखा कि सर झुकाकर चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा दौलतमंद था। पतरस ने कहा कि खुदावन, हम जो इतना कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, अपने मां बाप, कारोबार, सब कुछ, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने कारोबार को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने खानदान को मेरे लिए छोड़े और उसे सौगना ना मिले और हमेशा की जिंदगी। द टू फोल्ड प्रॉमिस, हमेशा की जिंदगी। और देखिए, लोग जिंदगी के लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपना माल धन दौलत जो है वो खर्च करते हैं कि सर मैं बच जाऊं। हालांकि एक रियलिटी है, 70 वरे भी, 80 वरे भी, आखिर तो फिर भी फना। इंसान की जिंदगी 70 बरस, 80 बरस, अगर ज्यादा कुवत हो तो 100 बरस, लेकिन फिर भी मर जाना है। बट इवन देन पीपल दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर द सेक ऑफ देयर लाइफ एंड नोबडी कैन ऑफर देम एवरलास्टिंग लाइफ, जोए लाइफ, एक्सपेंडेबल लाइफ। ब्यूटीफुल वर्ड इन ग्रीक। तो खुदावन जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी का वादा देते हैं, उसके साथ सौगना। दुनिया का कोई बैंक आपको 100-fold का प्रॉमिस नहीं करता। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है तो देन यू आर लकी। आई डोंट थिंक सो कि कोई बैंक इतना जेनरस होगा कि वो आपको इतना जो है वो दे दे, ऑफर करे प्रॉफिट इंटरेस्ट आपको। तो खुदावन के पीछे जब आप आते हैं तो वो आपको हर दो तरह की रूहानी और जिस्मानी नेमतें और बरकतें अता करता है। खुदावन यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो दी है कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देख रहा, कहता वो मेरी बात सही के लायक ही नहीं। जो लोग गांव से हैं, मुझे थोड़ा सा गांव में रहने का इत्तेफाक है कि जब जो हल चलाया जाता है
तो जो किसान होता है वो एक लकड़ी के तख्ते पर उसने पांव रखा होता है, और जो बैल होता है उसकी और उस हल के दरमियान एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्टर पर एक कील होता है, उस कील को वो पकड़े रहता है। अगर किसान का ध्यान जो है वो इधर उधर हो जाए तो जो क्यारियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। यू हैव टू फोकस, उसको फोकस करना पड़ता है, उसको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, उस हैंडल को कह लें या उस कील को कह लें। आपको बड़ा फोकस होना चाहिए, आपको अपनी क्यारियां सीधी रखनी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर ड्यूटी, डोंट लुक बैक। जब आप खुदा की खिदमत करते हैं तो ये याद रखें कि ये बड़ी खास खिदमत है, स्पेशल सर्विस। और फिर ये है कि जो खुदावंद है वो आपको एक खास चीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, और वो है हमेशा की जिंदगी। एंड यू आर सेइंग टू गुड बाय टू योर फैमिली, यू आर एंटरिंग इन द न्यू फैमिली। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं अपने क्लिसिया के लिए, अपने चर्च के लिए। हार्डली आई हैव स्पेंट क्रिसमस और ईस्टर विद माई फैमिली सिंस आई केम टू मिनिस्ट्री। अब पाकिस्तान में होता था कि शाम को हम अपने घर चले जाया करते थे, अपने बहनों भाइयों के साथ क्रिसमस या ईस्टर सेलिब्रेट करते थे। 4-5 बजे सर्विस खत्म हो जानी और मेरे बहन भाई माँ बाप इंतजार कर रहे होते थे। बट सिंस आई केम टू यूके फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड ईस्टर एंड न्यू ईयर विद माई बायोलॉजिकल फैमिली, विद माई सिस्टर्स एंड विद अदर फैमिली मेंबर्स। बिकॉज गॉड गिव मी द न्यू फैमिली, द फैमिली ऑफ द बिलीवर्स। हम खुदावन के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं। सो वी आर एंजॉइंग दिस फेलोशिप। हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिसकी फिक्र करते हैं। खुदा ने कहा था कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदा ने घर में थे, लोग आए, उन्होंने कहा तेरी माँ आई है, तेरे बहन भाई आए हैं, तो उससे मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई तो ये हैं। तो जो ये सोचता है उनको प्रायोरिटी देता है, उनको इंपॉर्टेंस देता है कि जी मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। व्हेन आई स्टार्टेड माई मिनिस्ट्री, आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, आई वॉज द ओनली अर्निंग हैंड। माई डैड वॉज रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम आर्मी, और मुझे ये फिक्र लाहक थी कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, कैसे हम रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन खुदावन जो है वो फिक्र करता है, उसका अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, माई ब्रदर ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज वेरी यंग, 20 ईयर्स ओल्ड, उसको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, और जितने पैसे मैं अर्न करता उससे डबल ट्रिपल उसको खुदा ने देना शुरू कर दिए। एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी एज वेल व्हेन आई वॉज इन सेमिनरी। ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज आई वॉज एबल टू कैरी ऑन माई स्टडी, बट लेकिन उसने मुझे सपोर्ट किया, घर को सपोर्ट किया। तो खुदावन जो है वो आपके लिए दरवाजे खोलता है, आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। मैं इस बात को अपने उन बहन भाइयों से जो कि खिदमत में आना चाहते हैं और वो सरेंडर नहीं करना चाहते, शिकस्तगी बहुत जरूरी है, उस पर आप भरोसा करें। आई डोंट नो किसको खुदावंद ये बात समझा रहा है, लेकिन जो कोई भी आप हैं, आप खिदमत में आना चाहते हैं, आपको खुदावंद पर भरोसा करना चाहिए। आप जो है वो पालनहार नहीं है। अपने खानदान के लिए, अपने लिए फिक्र ना करें। कल ही हमने सीखा था कि फिक्र मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहते हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीजों के मोहताज हो। पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की फिक्र ना करो, कल की आप फिक्र कर लेगा। डोंट लुक बैक। मैं इस बात को सोच रहा था लूत की बीवी के बारे में कि क्यों उसने पीछे देखा। जो आपकी पोजेशन है ना, जो आपकी बिलोंगिंग होती है, उनकी बड़ी फिक्र होती है। हम बहुत दफा जब जाते हैं विजिट पे तो
मिसेस कहते हैं वो आपने विंडो चेक की थी, डोर लॉक किया था, हीटिंग देखी थी, वो फला चीज। हमें अपनी चीजों की फिक्र होती है जो दुनिया की चीजें हैं। और वो लूथ की बीवी जो है वो ये सोच रही थी कि वो मेरा फर्नीचर, मेरा घर, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, वो चीजें, वो सब बातें जो। और फिर ये भी है कि उसकी जो फ्रेंडशिप थी वहां पर, जो रिलेशनशिप था लोगों के साथ, सो देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन हर माइंड व्हेन शी वाज वॉकिंग, शी लुक बैक। भास्कर, ये दुनिया की जो अट्रैक्शन होती है, चीजें होती है ना, ये आपका दिल माइल करती है, उदाहरण से आपको दूर ले जाती है। ओ नहीं, मैं तो वही ठीक था, वो ज्यादा अच्छा था। एंड आई वाज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, इट वाज फैंटास्टिक जॉब, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम। तो ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन खुदा कहता है कि हल पे हाथ रख के पीछे मत देखें, लुक फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, लिव इन प्रेजेंस, बट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, बिकॉज योर डेस्टिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज़राइलाइट्स व्हेन दे वर वॉन्डरिंग इन दैट विल्डरनेस, दे वर थिंकिंग अबाउट वो फूड और वो जनाब सारे जो हांडियां उनको याद आ रही थी मिस्र की, दे वर थिंकिंग अबाउट द इजिप्ट, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रोमिस लैंड, मुल्क मौदा के बारे में नहीं सोच रहे थे। बट इवन दे वर इन द विल्डरनेस, गॉड फेड देम, खुदा ने उनको बहुत कुछ दिया, खाने को दिया, गोश्त खिलाया, पानी पिलाया। खुदा पर ध्यान करें और अपनी मंजिल पर ध्यान करें। वी आर द पिलग्रिमेज इन दिस वर्ल्ड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू जेरूशलम, जहां पर न रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना मातम होगा, ना बीमारी होगी, ना दुख होगा, है ना। हम यीशु को देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे और हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। दैट इज योर डेस्टिनेशन, थिंक अबाउट दैट। आइए दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू ये चाहता है कि हम तुझ पर ध्यान करें। खुदा हम दुनिया की आवाजें, दुनिया की बातें, आसाइश, अट्रैक्शन, ये हमें खुदावन तेरी तरफ माइल नहीं होने देती, चलने नहीं देती। प्यार खुदावन, दुआ करते हैं कि तू हमें ऐसा दिल दे कि हम तुझ पर ध्यान करें, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। और प्यारे खुदावन, इल्तजा करते हैं आज की इस बाकी मादा प्रोग्राम को तो अपने हाथों में लेना। और प्यारे खुदावन, हम सबको तो ऐसे दिल दे कि प्यारे खुदावन हम हर वक्त और हर जगह तेरी मर्जी को, मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है। जब आप किसी प्यार करते हैं तो आप सिर्फ यही तो करते हैं कि जब आप किसी प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करें। खुदावन भी यही चाहता है। खुदावन को हमारा धन दौलत नहीं चाहिए, खुदावन को आपका माल दौलत से कोई गर्ज नहीं है। आप कितने अमीर हैं, कितना रुपया पैसा आपके पास, खुदावन से ये चाहता है कि आप खुदा से प्यार करें। खुदावन इस मसीह ने सारी शरीयत का जो लुबे लुबाब है, जो एसेंस है, दो हुक्मों में वो दिया है। और वो हुक्म ये थे कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी ताकत से मोहब्बत रख। और इसके माने दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदा से प्यार करना, खुदा के लोगों से प्यार करना, ये खुदा उनकी इच्छा है। जो ह्यूमनिस्ट हैं, जो इंसान परस्त हैं, जो कहते हैं जी इंसानों से प्यार करना चाहिए, ह्यूमनिटेरियन जिसको आप कह सकते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है जी, आप चैरिटी करें, लोगों को खाना खिलाएं, कपड़े पहनाएं, रोटी कपड़ा मकान लोगों को दें, दैट्स इट, इट्स अ गुड, नो डाउट इन दैट, बट दिस अ पार्शियल ट्रुथ, नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, अब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ आप इसको कह सकते हैं। मुकम्मल सच्चाई क्या है? जो हकीकी सच है वो ये है कि खुदा से प्यार करें। खुदा उनकी मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई है वो हमें इस बात के लिए कायल करती है कि आप इंसानों से प्यार करें। लेकिन अगर आप इंसानों से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार नहीं करते, तो ये बात भी ठीक नहीं है। खुदा से भी प्यार करें, खुदा के लोगों से भी प्यार करें, क्योंकि खुदा जो है
वो मोहब्बत है। दोनों बातें, कुछ लोग जो है वो सिर्फ खुदा से मोहब्बत के दावे करते हैं। खुदा ने कहा कि जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं सब खुदा के बादशाह में दाखिल होंगे। इफ यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विद गॉड, इट कैन बी वेरी हेल्दी। ओके, ठीक है, आप बहुत ज्यादा दुआ करते होंगे, कलाम पढ़ते होंगे, बट इफ यू आर इरेलीवेंट विद द पीपल ऑफ गॉड, अगर आप उनके बारे में सोचते नहीं है, आप सोचते नहीं उनके साथ हमारा क्या ताल्लुक है, तो ये भी ठीक नहीं है। यकूब के खत में लिखा है कि अगर तेरा भाई भूखा हो या बहन नंगी हो, कपड़े ना हो उसके तन पर, उसके पास खुराक ना हो, उसे कजा खा पी सेर हो गर्म हो और पहनने के लिए खाने के लिए उससे कुछ ना दो, तो ऐसा ईमान जो है वो मुर्दा है। तो ये भी अच्छी बात है। खलील जिब्रान, उसको 20th century का प्रॉफिट कहा जाता है, पैलेस्टीनियन, वो कहता है कि जो इंसान आपको नजर आते हैं उनसे तो आप मोहब्बत करते नहीं हैं, और जो खुदा नजर नहीं आता उससे आप मोहब्बत के दावे करते हैं। तो दोनों बातें जो हैं, इट्स वेरी बैलेंस टीचिंग। जीसस क्राइस्ट की जो तालीम है, जो उन्होंने एजुकेट किया, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, बड़ी खूबसूरत तालीम है। सो वो लोग जो कि अपनी मजहबी रियाजत पर भरोसा करते हैं और खुदा से प्यार के दावे करते हैं लेकिन इंसानों से प्यार नहीं करते, वो भी ठीक नहीं है। वो जो सिर्फ इंसानों के बारे में सोचते हैं, खुदा के बारे में नहीं सोचते, वो और भी ज्यादा खतरनाक हालत है। वो खुदा बनने की कोशिश करते हैं कि चलिए हम लोगों को पाल रहे हैं, हम लोगों को खाना दे रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम नथिंग, हम कुछ नहीं है, हम किसी कुछ नहीं दे सकते। ये जो दो तरह के मजहब है ना दुनिया में, एक वो जो कि अपनी शख्सी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं और एक वो है जो खुदावन ने जो कुछ कर दिया उस पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ खुदावन ने कर दिया उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, उसने अपनी जान जो दे दी है इससे ज्यादा और क्या आपको करेगा। खैर, बढ़ते हैं जी खुदावन के पाक कलाम की जानिब, और आज का जो हम हवाला आपके लिए लेकर आए हैं, पहला सैम्यूल उसका 3 बाब, खुदा के पाक कलाम को देखिए पुराने अरनामे में, पहला सैम्यूल उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तलावत करूंगा। पहला सैम्यूल उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत, 1 Samuel chapter 3 verse 1, खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और लड़का सैम्यूल एली के सामने खुदा की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावन का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था उसकी आंखें दुर्नाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैम्यूल खुदावन की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैम्यूल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा, सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैम्यूल सैम्यूल। सैम्यूल उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैम्यूल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैम्यूल को पुकारा और उठकर एली के पास गया, कहा तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावन इस लड़के को पुकारा, इसलिए एली ने सैम्यूल से कहा जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना आए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैम्यूल जाकर अपनी जगह पर लेट गया, तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैम्यूल सैम्यूल सैम्यूल, ने कहा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैम्यूल से कहा देख मैं इसराइल में ऐसा काम करने पर हूं
जिससे हर सुनने वाले के कान भरा जाएंगे खुदावन के पाक कलाम के। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे, सुनना, हियरिंग, लिसनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना क्या है? इंसान के अंदर जो हवास से खमसा जिनको कहते हैं, इंसान पांच को कहते हैं, हवास सेंसेस, वी आर हैविंग फाइव सेंसेस। कुछ लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना छठी हस एक्स्ट्रा सेंस जो होती है, मैं इसको स्पिरिचुअल सेंस में कहता हूं कि स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, रूहों का इम्तियाज। वर्ल्डली लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं कि छठी हस कह सकते हैं। सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, दीज आर दी सेंसेस। अगर इनमें एक भी हिस जो है वो काम करना छोड़ दे तो हम परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ खाता हूं तो मुझे टेस्ट नहीं आता, टेस्ट नहीं। तो वो भी एक सिम्टम जो कोरोना के थे वो ये भी था कि जी आप टेस्ट पर जो है आपकी जुबान जो है उस पर जो टेस्ट जो आपको आता है जुबान की नोक पे वो खत्म हो जाता है। आप कुछ भी खाते हैं, नमकीन हो, मीठा हो, आपको उसका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। देखने की हिस, ब्लाइंडनेस अगर हो जाए इंसान के लिए जिंदगी उसकी जहन्नम हो जाती है। सो दीज आर द सेंसेस, सूंघना, सुनना। तो ये बड़ी अहम जो आपके सेंसेस हैं, एक होता है जिसको फिजिकल आप कह सकते हैं डेफनेस, जिस्मानी तौर पर बहरापन। मैंने जैसे बताया कि वो एक खतरनाक हालत है, कई लोगों ने वो एयर हेल्पिंग एयर जो है वो लगाई होती हैं और उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाती है उनके लिए। और मैं जब शख्स के बारे में सुन रहा था कि कितनी ये जरूरी चीज है, शायद बहुत सारे लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपको हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है, आपको कोई आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं आपको पता नहीं चला कि गाड़ी आ रही, कोई आपको शाउट कर रहा है, प्लीज बी केयरफुल, आप कहीं गिरने वाले हैं और आपको कोई शख्स रोक देता है कि देखिए आगे पत्थर है या गड़ा है, तो ये बड़ा जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप ये एड इस्तेमाल करें और ये मशीन जो है आप लगाएं कान को, तो आप जरूर उसको इस्तेमाल करें क्योंकि कैन बी वेरी डेंजरस। खैर ये तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। तो बहरापन जो है ये कई लोग जानबूझ के भी बहरे बने होते हैं, मैं उनको पंजाबी में कहता ना केचले। वो मैंने चर्चेस की ना बड़ी कलीसियाओं की मुख्तलिफ जो है ना वो रखी हुई है कैटेगरीज में रखा हुआ लोगों को। कुछ होते हैं जिनको मैं कहता हूँ केचली कलीसिया है ना, केचले जो होते हैं ना जो पता होता है सारा कुछ, ऐसे ही बात नहीं जी मुझे पता ही कोई नहीं भाई सब जरा दस। और एक होते हैं खोचल पंजाबी में, अच्छा चलो ये सुनने का खोचल क्या होते हैं, वो जो दरवाजे के ऊपर जो होते हैं ना चल चल के, तो फिर वो जो उसके जो होते हैं बुल्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर आपको डोर स्टेप जो है वो रखना पड़ता है, स्टॉपर जो होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो इतने खोचल हो चुके होते हैं, उनको जो मर्जी आप कहते रहे उनको असर ही नहीं होता। और इंसान के काम में लिखा है कि ऐसा शख्स जो होता है वो उस दरवाजे के मतलब अपने चूल्हों पे बस वो फिरता रहता है। तो ये कैटेगरीज हैं लोगों की, पता भी होता है कि जानबूझ के पूछते हैं अरे कुछ गल सुनी जरा दसोगे भाई सब पता है कोई इस गल का, पता सारा होता है। और कई जो लोग होते हैं वो जानबूझ के ऐसे ही बस वो अपने मतलब के ये ठीक होते हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन नेम ऑफ दैट पर्सन। वो एक शख्स मुझे ले गया जी, कहता जी मुझे हॉस्पिटल का नहीं पता तो जरा मेरे साथ चलें। तो खैर मैं उसके साथ गया, गाड़ी में उसको ले गया, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा बात को। तो वो जब डॉक्टर ने उसके जो नर्स थी उसको चेक कर रही थी तो वो कहता है मुझे सुनाई नहीं देता।
तो वो बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, तो मैं पास बैठा हुआ था, उसका ट्रांसलेशन कर रहा था। तो मैं जब बात करूं, मैं कभी पाजी तुम सुनाई था, नहीं जी कोई नहीं सुनाई नहीं दे रहे, खैर कम्युनिकेशन तो हो रही थी। तो वो जब बेचारी थक हार गई, बड़ी मशीनें उसने लगाई, चेक की, तो मुझे कहती है, रेवरेंड कैन आई से वन थिंग, मैंने कहा यस, व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू ही इज रिस्पॉन्डिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम ही इज एब्सोल्युटली ही इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू हिम ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो देयर इज समथिंग एल्स। तो खैर उसने कहा आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दिस एयर, तो हम आगे, उसने कहा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो जब बाहर आए तो गाड़ी में बैठे, तो मैंने कहा कि जी आपको जब वाकई मैं जब बात कर रहा था तो आप जवाब दे रहे थे, तो आपने उस नर्स को जवाब नहीं दे रहे थे, क्या वजह है? तो मुझे कहने लगा, ओ पादरी साहब पले मानस बंदे, तुहानू पता नहीं, कहता वो मैं ना डिसेबल होना चाहता हूँ, मैंने वो बेनिफिट लेना है, तो इसलिए मैं वो कर रहा था, कभी निमियांस मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार कैसे शरीफ आदमी, आपने सारा दिन मेरा भी जाया किया है, और मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए आया था कि चले आपको मुश्किल ना हो, और आपने उस नर्स को भी इतना परेशान किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट आप प्रिटेंड करें कि आप बहरे हैं और आपको सुनाई नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली दैट गाय ही बिकेम डिसेबल। ये जी वो फिजिकल जो आप कह लें डेफनेस, जो लोग जानबूझ के जो बहरे बन जाते हैं, ये उनके लिए है। तो कुछ लोग हैं जो कि रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल डेफनेस, और स्पिरिचुअल डेफनेस जो है इज वेरी डेंजरस, जो रूहानी तौर पर जो बहरे हैं, जो कि सुनते नहीं है उनको बार बार, और कलाम कदस में खुदावन ने जो एक तमसील बयान की कि जो कलाम को सुनते हैं उसका सबको कबूल करते हैं। मैंने इसके बारे में जब तमसील मैंने पेश की तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड है वो जो कि रिसेप्टिव हैं, जो कि कलाम को सुनते हैं उसका सबको कबूल करते हैं, और एक वो जो फर्टाइल को कहा जाता है जरखेज जमीन उसकी मानक, एक वो है जो कि डबल माइंडेड है, जो सुनते हैं और फिर डबल माइंड, अच्छा दुनिया की बातें ये सारी चीजें वो फिर भूल जाते हैं सुन के। कुछ ऐसे जो स्टबर्न है, बिल्कुल कबूल ही नहीं करते उस जमीन के मारे, जो कि चट्टान पर जो बीज गिराया गया और वो धूप आती है और सूख जाता है, परिंदे उसको चुग लेते हैं पैर, ये वो स्पिरिचुअल जो डेफनेस है ये वो है। तो ये बड़ी खतरनाक हालत है, इसकी वजूहत क्या है? डलनेस, वो खुदावन ने फरमाया कि जो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, तो ये जो डलनेस है ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसी बाइबल स्टडी भी कर लें, लूका का अंजीली बयान उसका 12 बाब और उसकी 56 आयत को हम देखेंगे। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 12 बाब वर्स 56 चैप्टर 12 लूक चैप्टर 12 वर्स 56 आए रे अकारो, जमीन और आसमान के सुर में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाने की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? हम जो दुनिया की चीजें हैं उनके बारे में तो इम्तियाज कर लेते हैं, बट इफ वी आर स्पिरिचुअली डल डेफ है, तो हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, उसके बारे में हम इम्तियाज नहीं करते। अभी जो वेद मैंने आपके सामने पढ़ा, जरा थोड़ा सा हम उस पर फोकस कर लें। मैं इसके जरा पस मंजर में जाना चाहता हूं। हना जिसकी औलाद नहीं थी, उसने खुदावन से दुआ की, सैमुएल का पहला बाब और उसके मैं देखते हैं कि वो साल ब साल हैकल में आती थी, खुदावन से दुआ करती थी, तो खुदावन ने उसकी दुआ को सुना और उसने खुदावन से ये वादा किया कि जो मेरा बेटा होगा उसको मैं आपको दे दूंगी, आपकी खिदमत के लिए दे दूंगी। उसकी वजह ये थी कि कोई रोया भी, हमने अभी देखा कि बरमला नहीं होती थी, नबियों की कमी थी, नबी जिसको नबू कहा जाता है, माउथ पीस ऑफ गॉड, खुदावन नबियों के जरिए जो है वो कलाम करता था, तो अंबिया नहीं थे, लेकिन खुदावन के घर का जो चिराग है वो तक बुझा नहीं था। सो स्टिल देयर वाज अ होप, पीपल देयर सर्विंग देयर एंड देयर वाज अ होप फॉर द प्रॉफिट्स। एली कहन जो था वो बूढ़ा हो गया था, और सैमुएल को जब डेडिकेट कर दिया गया, हैकल में आ गया, बस यंग लैड छोटा बच्चा था,
लेकिन आप उसकी ओबीडियंस को देख सकते हैं। मैं भी जब इन आयात को पढ़ रहा था तो मैं सोचा था कि क्यों खुदावन ने सबसे पहले ही उसे क्यों नहीं ये बात कर दी। तो बात यह है कि जब खुदावन उसको बुला रहे थे तो देखिए कभी तक उसको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं थी, उसको समझ नहीं थी, बट ही वाज वेरी ओबीडियंट टू गॉड। ताबे फरमान था वो, क्योंकि एली के पास रहता था, एली उसको सिखाता था, तो वो जो ताबे फरमानी थी वो उसके अंदर मौजूद थी। और जब जब उसको आवाज आती थी, आप देख सकते हैं कि ही वाज नॉट स्टर्बन, ही वाज सच हम्बल बॉय, ओबीडियंट था। और वो जाता था एली के पास, कहता था कि आपने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर हूं, बताइए। उसे ये नहीं कहा यार ऐसी आवाज आ रही है, छोड़ो परे, एक दफा हुआ, दो दफा, मैं नहीं जाऊंगा। अगेन एंड अगेन ही वाज शोइंग हिज ओबीडियंस टू गॉड। वो जा रहा था एली के पास, कहता कि ही इज माय टीचर, ही इज माय मास्टर, आई विल गो एंड लिसन टू हिम। और अब एली उसे कहता है तीसरी बार कि अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना कि फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। यही बात दाऊद के साथ हुई कि खुदावन ने उसको क्यों चुना, खुदावन ने क्यों सैमुएल से कहा कि तू इसको मसा कर, मैं इंसान की माननीय को जो उसके कद पर उसकी खूबसूरती पर निगाह करूं। खुदावन कहता है कि मुझे मेरे दिल के मौफिक एक शख्स मिल गया है, और वो जो सैमुएल को ये कहा गया कि तू दाऊद को मसा कर, तो उसके पीछे स्टोरी ये थी, रीजन ये था कि ही वॉज वेरी ब्रेव, वेरी कमिटेड। वो कहता कि जब मैं किसी दरिंदे को आते देखता था, रीछ को या किसी भी जानवर को, तो मैं भेड़ों को बचाता था, लड़ता था उनके लिए। तो खुदा ने सोचा कि अगर ये भेड़ों के लिए, ये जानवरों के लिए इतना कंसर्न है, तो ये मेरे लोगों के लिए क्यों नहीं होगा। और वाकई ये हुआ कि दाऊद ने जब, वो भी लड़का ही था, तो उसने ये कहा कि ये नाम मख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि जो खुदावन की फौजों की वसीयत करे। तो उसने चिकने 5 पत्थर लिए और उसने उस पत्थर से, अपने फलाखन से, उस बड़े जाति जूलियत को, उस जॉइंट को उसने मार गिराया। दैट वॉज द रीजन बिहाइंड हिज अनॉइंटिंग। खुदावन जो है दिल पर निगाह करता है। और खुदावन ने सैमुएल को देखा कि वो अपने उस जिस्मानी मास्टर के लिए, उस्ताद के लिए इतना ताबे फरमान है कि जब जब मैं बुलाता हूं तो जाकर तो उसकी सुनता है। तो जब खुदावन ने उसको चुना, बुलाया, उसने कहा कि वो, उसने आवाज दी तो उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं। अजीजो, खुदावन की आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि जो डिवाइन कॉल है, अभी हमने शुरू में इस बात को सीखा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता, खुदावन कहता है कि मेरी बादशाही के लायक नहीं है। खुदावन की आवाज को हम इसलिए सुनते कि हम रूहानी तौर पर बहरे हो चुके हैं। लिसनिंग टू गॉड वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुदावन की आवाज को सुनना। कैसे हम खुदावन की आवाज को सुन सकते हैं? खुदावन के जिंदा पाक कलाम में रोमे के खत को हम देखेंगे कि कैसे हम खुदावन की आवाज को सुन सकते हैं। रोमे के खत को मेरे साथ देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये आयात है। खुदावन के कलाम में यू लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा, रोमन चैप्टर 10:13, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो चीजों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सबने इस खुशखबरी पर क्या अनान धरा। चुनाचे यशाया कहता है, खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुन, देयर आर टू थिंग्स, द सोर्स एंड अफेक्ट ऑफ दैट द वर्ड ऑफ गॉड। सोर्स क्या है, कहां से आपका ईमान बढ़ता है, वो है खुदावन का जिंदा, मौतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम।
इसको सुनना और फिर इसको सुनने से ईमान जो है वो पैदा होता है, जनरेट होता है फेथ। खुदावन का पाक कलाम सुनना और उस पर ईमान लाना और उस पर अमल करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसके लिए आपके अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए आवाज को सुनने के लिए। अगर आप देखें कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं अपने लव वंस की आवाज को सुनने के लिए, अपने पेरेंट्स की, अपने बहनों भाइयों की, दोस्तों की, कहते यार मैंने आपकी आवाज ही सुनी काफी दिन हो गए, आप उनको फोन करते हैं, यू शोइंग योर लॉयल्टी, योर लव, योर कंसर्न विद देम, कि यार आपकी तो आवाज ही नहीं सुनी कितने दिन हो गए। हाउ लॉन्ग इट टुक, कितनी देर हो गई है कि आपने खुदावन की आवाज को नहीं सुना। महीने, साल, दिन गुजरते जा रहे हैं, लास्ट टाइम कब आपने खुदावन की आवाज को सुना था? हम अपने अजीजों की आवाज को सुनना चाहते हैं, अपने प्यारों की आवाज को सुनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने खुदावन की आवाज को नहीं सुनते। थैंक यू जीसस, खुदावन का शुक्र हो। खुदावन कलाम करता है, मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को। मुझे एहसास है वक्त बहुत ज्यादा हुआ जाता है, लेकिन जब खुदावन कलाम करता है तो फिर उसमें हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए खुदावन की आवाज के बारे में। मेरे साथ गजलों गजलात को देखिए, खुदावन के पाक कलाम को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत ये आयात है खुदावन का पाक कलाम। वहां पर एक जो तस्वीर दिया गया है महबूब का और महबूबा का, तो हम उसमें इस बात को देखते हैं कि महबूब जो है वो अपनी महबूबा की आवाज को सुनने के लिए किस कदर जो है वो बेकरार है, और वो दरवाजे पे खड़ा है और उसकी आवाज जो है वो सुनना चाहता है। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए, गजलों गजलात और उसकी पांचवें बाप की दूसरी आयत से। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज करता कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीजा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी अब कैसे पहनूं, मैं अपने पांव धो चुकी अब उनको मैला क्यों कर मैला करूं। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिल और जिगर में उसके लिए चुंबश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने की उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कफल के दस्तों में पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। महबूब जिसे खुदावन से तशबीह दी गई है, महबूबा उसकी कलीसिया, वो रात भर खड़ा है, उसका सर भीग चुका है, वो उसकी बूंदों से उसका सर भीगा हुआ है। Continuously he is knocking at the door of our heart. He is calling us. But we are so stubborn, we are not listening to him. हम उसकी आवाज को नहीं सुनते और फिर वो चला जाता है। By the time वो महबूबा उठकर जाती है, दरवाजा खोलती है, वो कहती है मेरा महबूब चला गया था। मुकाशा किताब में लिखा है कि देख मैं दरवाजा खड़ा होकर टकराता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ। अजीजो, खुदावन हमें बार बार बुलाता है, वो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज देता है, आई मेरी महबूबा, आई मेरी प्यारी, मेरी आवाज को सुन ले। लेकिन हम खुदावन की आवाज को नहीं सुनते, बिकॉज वी आर स्टबर्न, हम सख्त दिल हो गए, और ये बहुत बड़ा गुनाह है सख्त दिली का। हम सैमुएल से इस बात को सीखते हैं कि खुदावन जब बुलाता है तो कहता है फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। जब खुदावन बुलाता है तो फिर पीछे मुड़कर ना देखें, आगे की तरफ देखें, खुदावन की आवाज को सुने। और जब हम खुदावन की आवाज को सुनेंगे
वो हमारे साथ, ये खुदा का जिंदा जो पाक कलाम है वो हमारे साथ बांटता है, खाता है। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के पाक कलाम से। सुनिए और सुनाइए, खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, उनको भी इस काबिल कीजिए कि वो खुदा का पाक कलाम सुने। लेकिन जब तक आप खुद नहीं सुनेंगे दूसरों को कैसे सुनाएंगे? जब हम खुद ही उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, ये एक चेन है, कम्युनिकेशन है ना। सो यू आर द मीडिएटर, खुदावन आपसे कलाम करता है, आप दूसरों को बताते हैं। आई एम जस्ट अ वेसल, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक तुरी हूं, खुदावन हमारे जरिए कलाम करता है और हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप कलाम को नहीं सुनेंगे, जिंदगी नहीं पाएंगे। जो मेरा कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। मुकाशफ किताब में बार बार जब खुदावन उन खतूत को लिखता है, मुकाशफ की किताब में हम देखते हैं यूहन्ना जब उन खतूत को लिखा और उन कलीसियाओं से, खुदावन सात कलीसियाओं से खताब करता है, तो बार बार ये बात हमें कि जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जिसके कान वो सुने रूह क्या फरमाता है। ये एक पर्सन है, तो कुवत और ताकत नहीं है, खुदावन का रूह एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है। तो जब खुदावन का पाक रूह हमसे कलाम करता है, खुदावन का कलाम तथा अपने दिलों को सख्त ना करो जैसा कभी बाकी दिन में। फिर साथ इस बात को देखिए, खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि जब अब हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब खुदावन हमसे कलाम करता है, तो हम बड़े बाबरकत लोग हैं। फरूज की किताब में मेरे साथ देखिए, जब खुदावन ने 10 हुक्म दिए तो उसका नतीजा क्या हुआ आगे चलकर? उन्होंने मांगे थे, शरीत उन्होंने मांगी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि खरूज 20 पाप उसकी 18 आयत, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और कन्ना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने यह देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे ता ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तहान करे और तुम उसका खौफ हो ताकि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक गया जहां खुदा था, डर गए, पहाड़ कांप गए और कभी नहीं भाई आप ही बात कर लिया करो, खुदा ना हमसे बात करे। खुदा उनका जलाल, खुदा उनकी कुदरत, खुदा उनकी आवाज से पहाड़ कांप जाते। और जिसे हमें खुदाओं के पाक रूह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमारे जरिए, खुदा उनके खादों के जरिए अपने इस कलाम को आप तक लेकर आता है। और हम बनी सैल की तरह कहते, नहीं नहीं हमने नहीं सुनना भी। पता प्रॉब्लम क्या है? हम वो सुनना चाहते जो हमें पसंद है, हम वो सुनना नहीं चाहते जो खुदा को पसंद है। हम कहते हैं कि कई लोगों ने वो सिर्फ पास्टर को सुनना चाहते हैं, खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहते। मेरी बात को गौर से सुनिए, उनके आइडियल जो होते हैं वो पास्टर होते हैं, कि जो पादरी साहब कह रहे हैं वो बड़ा अच्छा है और जो खुदा का कलाम कह रहा है वो अच्छा नहीं है, वो उसको नहीं सुनना चाहते। वो स्टोरीज, फनी टेल्स, हाँ जी मुंह में गया ऐसे हुआ, वो अपनी कहानियां सुना के लोगों को कह दो पास्टर इज वेरी फनी, इज वेरी जॉली। अच्छा है, जॉली होना चाहिए, खुदाओं के पाक कलाम को संजीदगी से लिया करें, जो खुदाओं का कलाम कहता है उसको कबूल करें। वी आर ऑल इम्परफेक्ट, हम कामल नहीं है, नो बॉडी इज परफेक्ट, चाहे कोई कितना बड़ा मस्जिद थियोलॉजियन हो। लेकिन जब खुदावन आपसे कलाम करता है, चाहे वो कलाम कितना भी सख्त हो, कई लोग कहते हैं पैसा पाजता सारा कलाम मेरे तो इसी है ना, ये आप मेरे से बात कर रहे थे। अरे भैया, खुदावन आपसे कलाम करे तो और क्या चाहिए आप? अगर वो कलाम आपके लिए हो, मेरी बहन, मेरे भाई, और खुदावन की आवाज को आप इस तरीके से सुनते हैं कि ये मेरे लिए था, तो आप बड़े ब्लेस्ड हो। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, पादरी साहब तो मेरे लिए सारा कलाम पीता है, नहीं, वो खुदा की आवाज होती है आपके लिए, आपके घराने के लिए, उसको सीरियसली लिया करें। हम
वो सुने जो खुदावन चाहता है। अब यही बात थी सैमुअल के साथ कि वो एली की बात को सुन रहा था। खुदावन की स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो खुदावन का पाखरू कहता है उसको सुने, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आइए हम खुदावन की आवाज को सुने, उसको मत भूलें। हमें खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिंदा खुदा के प्रस्तार हैं, जो बोलता है, जो सुनता और सुनाता है। हम किसी बुत के सामने सरनुगु नहीं है, हम जिंदा खुदा के प्रस्तार हैं, जिसे मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है, जो आज भी कलाम करता है, वो जिंदा कलाम है। हम सिर्फ अहले किताब ही नहीं, अहले शख्सियत भी। बहुत सारे जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, बड़े प्यार से, बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम भी अहले किताब हैं, आप भी अहले किताब हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। कहते हैं देखिए जी अहले किताब के साथ खाना पीना जायज है, उनके साथ शादियां करना जायज है। ये तो बड़ा एक डिफरेंट सा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन खैर हम जब ये बात कहते हैं कि हम सिर्फ अहले किताब ही नहीं है, अहले शख्सियत भी है, इसका मतलब ये है कि जिसका ये कलाम है वो जिंदा है। हम अहले किताब भी हैं और अहले शख्सियत भी हैं। उसको कोई नहीं जला सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, वो आज भी कलाम करता है। और खुदावन ने बहुत सारे लोगों से कलाम किया, उनको किसी पास्टर की जरूरत नहीं थी, किसी बिशप की जरूरत नहीं थी। They were sitting in their homes. God was speaking to them. God revealed himself to them. आप बाइबल को जला सकते हैं, आप इसकी तहकीर कर सकते हैं, इसको फाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन आप उसकी तहकीर नहीं कर सकते जो कि मुर्दों में से जी उठा है, जिंदा कलाम है। आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, उसके मुंह पर थूक नहीं सकते, उसको कील नहीं ठोंक सकते, क्योंकि वो फाते हैं, वो जिंदा कलाम है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम सिर्फ अहले किताब नहीं, अहले शख्सियत भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कल आज बल्कि अब तक जिंदा है, वो ला तब्दील कलाम है। हम उसका शुक्र करते हैं कि यीशु जिंदा कलाम है। खुदा ने आपको बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, ताकि खुदावन जब भी तू पुकारे हम तेरी आवाज को सुने, हम अपने दिलों को सख्त ना करें। हमें हलीमी, फरोतनी, इनकसारी की रू दे, ताबे फरमानी की रू दे, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। अरे प्यारे खुदावन, आज के बाकी माने दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाखरू की मामूरी चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो खुदावन, सबको तू संभाल, जो ए खुदावन अकेलेपन का शिकार है खुदावन, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। जो भी इनकी समस्या है, मुश्किलात है, तुझसे पोशीदा नहीं खुदावन, तुमको दूर कर, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुझी में सारे रिश्ते हमें नजर आते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू कभी भी प्यार खुदावन हमसे दस्तरदार, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। यीशु के कुदूस, जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बरकत दे। कल ब्रेकफास्ट शो नहीं होगा, कल हम 2 बजे आपके साथ लाइव वर्शिप करेंगे मिलकर, और ये बात होगी जी ल्यूटन में। मैं एड्रेस आपको बताए देता हूँ, फेयरले हिल मेथोडिस्ट चर्च, नॉर्थ ड्रिफ्ट वे, ल्यूटन, LU1 5JE। ये एड्रेस है, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा भी इसको सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और 2 बजे ये बात होगी, लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। अगर आप ल्यूटन के एरिया में हैं, बेडफोर्ड के एरिया में हैं, या आप लंदन में भी हैं, तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आप आए। एक चैलेंज है वहां पर, और मैं चाहता हूँ कि उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें कि हमने वहां पर चर्च को
उसको बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिशन फील्ड है वहां पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर मेरा साथ दें। संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू में, हिंदी में हम ये बात करते हैं। और चर्च का नाम है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन हंसलो TW50DR। जी हाँ, ये चर्च का एड्रेस है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लंदन में। और इसके अलावा ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा, ये दोनों आबादात जो है तो इनमें भी आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाइबल टीवी को देखना चाहते हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसको वेब पे देख सकते हैं, जादू बुक्स पे देख सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट है 24/7, जरूर देखिए और दुआ कीजिए हमारे लिए। तो कल दोपहर 2 बजे आपके साथ ऑनलाइन आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो जरूर आप आए न्यूटन में, एड्रेस है फार्ले हिल मेथोडिस्ट चर्च, नॉर्थ ड्रिफ्ट वे, न्यूटन। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, यू कैन गिव मी अ कॉल एंड वी कैन गो टुगेदर, इट्स ओनली 45 मिनट राइड फ्रॉम लंदन टू न्यूटन। तो आइए ज्वाइन कीजिए, खुदावन की तारीफ कीजिए, सैटरडे हमारे साथ गुजारिए और आप जरूर बरकत पाएंगे। खुदावन आपके साथ हो और बहुत बरकत दे आपको, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।